एक्स है कितना लिखा है दबाओ आप काउंट कर दीजिए। फिर आगे वाला लाइन में लिखा है कि वाई जो है जेड से 26 अधिक है, तो जेड से क्या हो गया ये वाई अधिक हो गया। ठीक, तो अब हम बताएंगे कि यहाँ पर मानना किसको पड़ेगा, तो ये बताइए यहाँ पर इस लाइन से हो रहा है कि वाई से ये बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर जेड से ये वाई बड़ा है, तो तीनों में पहले किसको मानना पड़ेगा, जेड को, जेड को मानेंगे भाई। एरो देखिए कैसे कैसे जा रहा है, वो उसके अनुसार चलिए, जिस पर ये लास्ट बचा एरो नहीं लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा उसी को मानना है, ठीक है, तो जेड को मान लेंगे एक, तो वाई का मान कितना होगा इससे 26 अधिक यानी एक्स प्लस 26, फिर आ जाएगा एक्स का मान वाई से 52 अधिक है, तब पहले से एक्स प्लस 26 है और इसमें 52 जोड़ देंगे, 52 और 26 कितना है 78 हो जाएगा, एक्स प्लस 78, इन तीनों को मिला के क्वेश्चन में दिया गया है 221, तीनों को मिला के 221 दिया गया है, 78 और 26 जोड़ेंगे तो 104 होगा, ये दोनों को प्लस में दाहिने बदलेंगे क्या होगा माइनस हो जाएगा, और एक्स 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 को एक्स है 3x बराबर इसको घटाएंगे 317 और 3 से कट जाएगा 39 का, ऐसा ध्यान दे सकते हैं हमारे वाई पर समझ आ रहा है कि सही में x का 78 x का 6 भी है, और यहां जोड़ दिए यार वाई पर, अब डाइ हम मान स्टेप बाय स्टेप चला के सकते तो भाग रखा उसी उधर से, हम डायरेक्ट किए 78 26 जोड़ के उधर ले जाके घटा 1 78 कहां से ला दिए, अरे बोला है यहां यहां लगी होगा, ये देखिए x का मान है ना, x के बारे में पहले कि y से 52 अधिक है, y से कितना अधिक है 52 अधिक, तो भाई y का मान कितना x प्लस 26 है, तो x से तो x है और 26 और 52 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78 होगा। अगर हम कहेंगे कि आपके पास 10 रुपया आपके पास कितना है और मेरे पास आपसे 5 रुपया होगा, आपसे कितना है 5 रुपया अधिक, आप मतलब क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे ना, कम नजर आएगा, उसी तरह से यहाँ पर भी है पहले कि y से 52 अधिक है तो y वाला में क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, तो y का मान 1 से 3 लिख दिए और 26 में क्या कर दिए 52 जोड़ दिए कितना हो गया 78 रुपया।